अमित सर, वो खास सेगमेंट जहाँ पे आप हमें कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिसमें हम ट्रेड करके या कुछ काम करके कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जिसपे आपकी नजर है आज? अपना अपने पास होल्डिंग पर क्या था? होल्डिंग पर मेरे ख्याल से एसबीआई बैंक नहीं है, टाटा आईसीआईसीआई मोटर, बैंक। आईसीआईसी बैंक होल्ड पर है, 882 885 का आसपास चल रहा है। खैर ठीक है सर, आज के लिए जो रिकमेंडेशन है, आईसीआईसी बैंक को 876.48 879 के लगभग बाय कर सकते हैं। 863 का स्टॉप लॉस, आज का जो लो है वो एग्जैक्ट 863 का है जो ओपन मार्केट में पोस्ट हुआ है। हालांकि ये हमारा एक रूल है कि अगर बाजार स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस के आसपास खुल जाए तो हम उसका एग्जीक्यूशन अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को बाइंग रेंज में दिखते हैं तो आज के लो के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 903 रुपए में कंफर्टेबली बाजार में लगता, स्क्रीन पर लगता हुआ देख रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक को। सन फार्मा मेरी हमेशा से फेवरेट पिक रही है, 883.50 के आसपास, अभी 885 चल रहा है, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। 879.40 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 915 रुपए के, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना है आप लोगों को, 1000+ के भाव भी देखे जा सकते हैं, तो 830 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंशन, स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1000, 1020, 1050 तक के भाव के लिए बने जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस 879.40 का। एसबीआई बैंक 528.50 के आसपास बाय कर सकते हैं, ये भाव आके गया एक बार, 520 के स्टॉप लॉस से 547 के टारगेट देख सकते हैं। और चौथा स्टॉक होगा हमारा इंफोसिस, 1463 के आसपास का भाव चल रहा है इसका, और ये 1451 का लो पोस्ट है और 1459.40 का स्टॉप लॉस था, और जो कि स्टॉप लॉस से नीचे ओपन हुआ, तो इसको आज हम अवॉइड करते हैं इंफोसिस को। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो बिंदास ले सकते हैं, लिया जा सकता है इंफोसिस को, बाजार में 1540 रुपए तक के भाव देखे जा सकते हैं जी। तो ये है आज की स्ट्रेटेजी जिसको अपना करके इस्तेमाल करके और अमित जैन जी की ये बढ़िया एनालिसिस और पढ़ाई को लेकर के उसका फायदा हम उठा सकते हैं और वहां पे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं।